स्टार्ट केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़फोड़ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हो या तोड़फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून ने संशोधित किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई, लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह देश में शीघ्र कोई कदम उठाए। पैरा रेल दुर्घटनाओं के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी, वह यह आवश्यक है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं, लेकिन जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और यह मानती है कि दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण हुई। वहां ऐसे लोगों